ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। यह जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते।